राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल की और कानाची में। तो आज मैं आप सबको बनाना सिखा रही हूँ शरद पूर्णिमा की एक सुंदर सी ड्रेस, जिसको आप घर पे इजीली बना सकते हो और जिसके लिए बहुत कम रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेना है एक ड्रेस का बेस, जिसको आप घर पे भी बना सकते हो और मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। और देन मैंने लिए हैं सिल्वर एंड वाइट दो शेड में, ये वाले फ्लावर्स, जैसे कि ये वाले सिल्वर है और ये वाला मेरा जो है वाइट कलर का फ्लावर है। अगर आपके पास अकेले वाइट या अकेले सिल्वर है तो भी आपका काम चल जाने वाला है। तो ये भी आपको फ्लावर्स जो है मार्केट में से इजीली लेस गोटा वाली शॉप पे या फिर जो रॉ मटेरियल वगैरह रखते हैं उन शॉप्स पे आपको इजीली मिल जाने वाले हैं, तो ये आपको वहाँ से बाय करने हैं। और देन मैंने यहाँ पे दो कलर्स बाय किए हैं, तो ये मैं दोनों कलर का कंट्रास्ट बनाकर जो ड्रेस को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक सिल्वर फ्लावर लगाया है और एक मैंने लगाया है वाइट कलर का फ्लावर। ऐसे ही मेरे पास जितने जितने फ्लावर्स हैं, मींस जितने भी मेरा जो घेरे के अंदर फ्लावर्स सेट आएंगे, वैसे वैसे करके मैं वन वन करके जो फ्लावर्स को लगाऊंगी कि मेरा जो है वन सिल्वर फ्लावर आएगा, वन वाइट आएगा। तो ऐसे ही सेम सीक्वेंस में चलते हुए मैंने अपने घेरे को, जो कि मैंने 10 इंच का लिया है मींस 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए, उसको रेडी कर लेना है। और ध्यान रखना है कि कलर में आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी आप दो कलर्स ले रहे हो उन्हीं का सीक्वेंस वाइज आपने लगाना है, ताकि आपकी ड्रेस जो है सुंदर सी बनकर रेडी हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे मैं अपना इस तरह से ग्लू लगाकर घेरा जो है कम्प्लीट कर लेती हूँ, तो हमारा जो ड्रेस की बाउंड्री है वो रेडी हो जाती है। लेकिन ड्रेस के अंदर से तो अभी हमने जो है कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया है, तो वो इतना हैवी लुक जो है नहीं आता है, तो उसके कारण हमने जो है अपनी ड्रेस को अंदर से भी हैवी करना है। तो उस लिए हमने इसको और ज़्यादा अंदर से भी डेकोरेट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से फ्लावर्स लगा दिए हैं। आप हाफ में भी फ्लावर्स लगाकर और हाफ में अदर एक्सेसरी लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अगर आपके पास फ्लावर्स कम रह जाते हैं तो हाफ में आप स्टोन्स, पोलन, कुछ भी आप जो है अदर एक्सेसरी लगाकर इसको जो है कम्प्लीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और जो है इसमें कोई भी आप डिज़ाइन, कोई भी तरह के फ्लावर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है कि आपको सेम ही फ्लावर्स मिलेंगे या सेम ही आप लगाओ, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। तो इस तरह से जब मेरे फ्लावर्स हो जाते हैं कंप्लीट, अभी मैं इसको जो है अंदर से भी डेकोरेट करूँगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है हमने। तो जैसे ही ये वाली जो है मेरी बाउंड्री कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे मैंने बड़े साइज के मेटल के स्टोन जो है बिछा लिए हैं थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद, और साथ में मैं ले रही हूँ पोलन वाइट कलर के। इसमें अगर आपको सिल्वर कलर मिल जाता है तो भी दी बेस्ट रहेगा, अदरवाइज क्योंकि आप शरद पूर्णिमा के रिगार्डिंग बना रहे हो तो उसमें आपको जो वाइट है वो ज़्यादा खिलकर नजर आएगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा पे जो मेन हमारा फोकस रहता है वो वाइट कलर के ऊपर रहता है। तो इसीलिए हमने जो है वाइट कलर का पोलन जो यूज़ करना है। अभी मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने पोलन लगाना है कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर से मैंने फिर से ग्लू लगानी है और उसके ऊपर मैंने स्टोन रख देना है। तो इससे जो हमारी ड्रेस की लुक है वो भी और ज़्यादा हैवी हो जाएगी, प्लस बहुत सुंदर सी लुक हो जाएगी, और ये जो क्लियर है जो लुक है वो अच्छी सुंदर लगे, मतलब क्लियर होकर नज़र आएगी हमें। तो इसके हिसाब से हमने जो सभी के सभी स्टोन, जो भी हम 6, 7, 8, 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आपको सेम सीक्वेंस में ही लगाने हैं। सबसे पहले आपको पोलन लगाना है, देन हमने ग्लू और लगाकर आपका स्टोन लगाना है। तो सेम जो है प्रोसेस में हमने बाकी के स्टोन्स एंड पोलन्स को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही ये वाला जो है प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हमने इसकी फाइनल लुक देखनी है। अगर आपको और भी ज़्यादा हैवी लुक बनानी है तो भी आप जो है और कहीं जो है बाउंड्रीज पे भी पोलन वगैरह लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन इतना जो है लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए आप ड्रेस की लुक, फाइनल लुक है ये वाली, और इसके साथ के आप मैचिंग पगड़ी बनाकर यूज़ इसको कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको बनकर घर पे रेडी हो जाती है और बहुत कम जो इसके ऊपर कॉस्टिंग आती है। तो इस तरह से आप अपने घर पे ठाकुर जी की ड्रेसेस को इजीली रेडी कर पाओगे बहुत कम दाम में। तो कैसे लगी आज की आपको वीडियो, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।